बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, इस वीडियो क्लिप में आपको ये बताया जाता है कि क्या सारी फास्फोरस या DAP बिजाई के वक्त डाली जाए या कुछ पहले आपाशी के बाद वक्त डालना जो है ना ये बेहतर है। देखिए, महकमाना सिफारिश यही है कि DAP की सूरत में अगर फास्फोरस डालनी है तो सारी फास्फोरस जो है ये बिजाई के वक्त डालते हैं ताकि फुल सीजन जो है ना पौधे को दस्तयाब रहे। देखें, ये खाद जो है ना वतर में जब हम काश्त करते हैं तो उसमें 10-15 दिन में तो ये ज़मीन में हल होती है, इसलिए ये महकमाना रिकमेंडेशन जो है ये दुरुस्त है। लेकिन अब ऐसी खादें आ चुकी हैं, MAP है और P44 जैसी जो फौरी तौर पर हल पजीर हैं और अवेलेबल फौरी तौर पर अवेलेबल हैं, और कई किस्म की हल पजीर खादें जो है ना ये मार्केट में आ चुकी हैं। तो फास्फोरस जैसा कि आप जानते हैं कि ये इमोबाइल एलिमेंट है, ये ज़मीन के अंदर हरकत नहीं करता, लेकिन इसकी वेरी लिमिटेड मोबिलिटी मौजूद है। फिर ये कि पहले DAP जो है ना, इसको आपको मालूम है कि ये हल करके नहीं डाली जाए, फ्लड नहीं की जाती थी। अब तो DAP सॉल्वेंट आ गया हुआ है तो और हल करके भी डाली जाती, 12-15 मिनट के अंदर जो है ना ये हल हो जाती है। यही वजह है कि जनूबी पंजाब की जो मैरा ज़मीनें और रेतली ज़मीनें हैं वहाँ पर स्प्लिट करके डालना जो है ना ये बेहतर है, ख़ासतौर पर आधी DAP जो है ना बिजाई के वक्त और आधी पहली आपाशी पर फ्लड करना बेहतर है। बिजाई के वक्त छटा करना और पहली आपाशी के वक्त आधी जो है मकदार वो फ्लड करना, ये ज़्यादा बेहतर नतज पैदा करता है। बाकी रहा कि लैया बकर फतेहपुर चुबारा और थाल एरिया की या इसी तरह की और पूरे पंजाब में जहाँ भी इस तरह की इस नोयत की ज़मीनें हैं जहाँ पे कोर छट के या गप छट के तरीके से गंदम कायत हुई है, वहाँ पर सारी जो है ना फास्फोरस या सारी DAP जो है ये बिजाई के वक्त डालना ज़्यादा बेहतर है। ये बाकी ये जो डेरा गाजी खां की सख्त ज़मीनें हैं या राइस जोन के पक्के वट की ज़मीनें हैं, चिकनी ज़मीनें हैं जहाँ पहली आपाशी जो है ना गंदम कायद करने के मेरा मतलब गंदम को 40-50 या इस दिन या 60 दिनों बाद लगती है, वहाँ जो है ना इसको बिजाई के वक्त ही डाल देना ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन कम पानी वाले जहाँ पे बेशक मुंजी के बाद ही क्यों ना हो, जहाँ मुंजी वतरों से वतरों पे पली है वहाँ तो बिल्कुल एक माह के अंदर अंदर पहला पानी लग जाता है, वहाँ पे जो है ना स्प्लिट करके डालना यह ज़रूरी है कि आधी बिजाई के वक्त डाल दी जाए, आधी जो है ना पहले पानी के साथ से फ्लड कर दी जाए।